राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। यहाँ आमेर में चुनाव हो रहे हैं और भाजपा से प्रत्याशी और वर्तमान विधायक डॉक्टर सतीश पुनिया जी फिर एक बार मैदान में हैं। वो कहते हैं लगभग 1500 करोड़ से अधिक के कार्य आमेर में करवाए गए हैं। मैंने भी खुद 5 वर्ष पहले देखा और अभी भी देखा, काफी जमीन आसमान का अंतर है। सड़कों का निर्माण हुआ है, पेयजल की सुविधाएं कई लोग बोल रहे हैं कि बड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये सही काम करवाया, जैसे अभी अपने जयरामपुरा से लेके दादर धाम तक जो रोड बनवाई है उन्होंने, वो बहुत अच्छा काम करवाया। ग्रामीण में जल जन योजना का वो कार्यक्रम चल रहा है, पाइपलाइन हर घर में, उनका भी कार्य सम्पूर्ण हुआ और बढ़िया काम करवा रहे हैं। विद्यालयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आमेर की विद्यालयों का पूरे राजस्थान में मॉडल के रूप में देखा जाता है? उन्होंने बहुत बहुत काम किया है, उन्होंने इनके लिए बहुत प्रयास किया है, स्कूलों में काम भी करवाया है और प्रयास भी कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में जनता आमेर में किसके साथ है? सतीश जी के साथ। सब पंचायत ग्राम पंचायत जयरामपुरा आमेर में। यहाँ पर चुनाव है राजस्थान में और आमेर को राजस्थान ही नहीं पूरा भारतवर्ष दिख रहा है। आमेर का एक तरह से अलग से ही क्रेज हो रहा है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर सतीश पुनिया वही दोबारा प्रत्याशी हैं, साथ में वो पहले भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने 1500 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए और हम कई जगह गए जिसमें जनता ने माना भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह के कार्य हुए हैं जो आपको पसंद है? सब देखिए, अभी स्कूल में एक बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी पानी की टंकी, खूब पैसा इकट्ठा करके इन्होंने दिया है, अपने पास से दिया है, स्कूल विकास के भी लिए दिया है, रोडें भी बनी हैं और काम सारे हुए हैं। काम सारे हुए हैं। मैं एक अभी मंदिर की तरफ गया था, वहाँ पिछले 5 वर्ष पूर्व भी मैं आया था, तब वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। अभी मैंने देखा कि वहाँ पानी की टंकी लग चुकी है, तो पानी की टंकी की बात कर रहे हो? जी जी, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन वहाँ पानी की टंकी लगी। तो पानी की टंकी जब लगती है और लोगों को पानी की प्यास बुझती है तो हमारा जो डेस्टिनेशन हो गया, वहाँ तो बिल्कुल इतनी सुविधाएं हो गई है कि होटल और ये वही नहीं है, बड़े 5 स्टार होटल जैसे कुछ नहीं है वो, बाकी इतना है कि वहाँ हमेशा लोग चालू ही रहते हैं। वहाँ इतनी सुविधा कर दी इन लोगों के लिए कि यार भविष्य में भी यहाँ तो खूब बढ़ोतरी हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार कौन आपके आमेर से विधायक बन रहे हैं? विधायक तो पुनिया जी बनेंगे। पुनिया जी बनेंगे। राम साहब, राम राम। क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पुनिया जी भी हैं और वो विधायक भी हैं। हाँ। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने विकास कितना करवाया है और क्या क्या कमी रही है? खूब करवाए हैं विकास। खूब करवाए हैं। क्या क्या जैसे विकास करवाया? खूब करवाए यहाँ पे, वो लाइट लगवा दी बाबा जी, ऊपर तक लाइटें लग गई हैं। और पानी की कमी? पानी की बोरिंग हो गई तो अब पानी की कमी नहीं है, बन रही है यहाँ पे, टंकियां बन गई। मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यालय भी मैंने देखे जिसमें बहुत विकास हुआ है, बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत महत्व दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया है। और आपके कुछ सुझाव? बस आपके वही आने चाहिए। तो आमेर की जनता का ये सुझाव है और आमेर की जनता ये चाहती है कि डॉक्टर सतीश पुनिया जी फिर एक बार आए और आमेर का विकास और ज्यादा करें, यही आमेर की जनता कहती है।